हम यहाँ गंगानगर अनाज मंडी में आए हुए हैं एमएसपी सत्याग्रह। सरकार ने घोषणा की है सरसों का दाम 4200 रुपया, चने का दाम 4620 रुपया। सरकार ने घोषणा का बोर्ड लगा रखा है, यहाँ यार्ड में एक जगह तैयार कर रखी है कि यहाँ सिर्फ सरकारी खरीद है। और उस यार्ड में देखें, शायद इस फोटो में नहीं आएगा, ट्रैक्टर के उस पार है, यार्ड में देखें एक ढेरी भी वहां पे नहीं है, कोई खरीद नहीं हो रही है। किसानों से पूछा, कह रहे हैं खरीद नहीं हो रही है। सरकार कह रही है हम बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगा के काम पूरा हो गया। अब बोर्ड लगाने से किसान की जेब में पैसा जाएगा क्या, किसान के घर में पैसा आएगा क्या? इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। आज यहाँ गंगानगर में राजस्थान के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आए हुए हैं। किसान उनसे पूछना चाहते हैं, आपके पास चुनाव प्रचार का समय है, बहुत अच्छी बात है, वोट मांग रहे हो, बहुत अच्छी बात है, 5 मिनट किसान के लिए भी निकालो, उसे भी आके बता दो कि भाई हमने आपके लिए क्या किया, उसे आके कम से कम जवाब दे दो कि क्यों नहीं हो रही है किसान की खरीद। हमने कहा तो पुलिस प्रशासन को आदेश आए होंगे ऊपर से, इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे। हम कह रहे हैं कम से कम सवाल का जवाब तो दिलवाओ, हमें बताया जा रहा है आचार संहिता है। मैं कहता हूं भाई बिजली कट जाएगी घर में तो आप क्या कहोगे, आचार संहिता है उसकी शिकायत नहीं कर सकते बिजली की? घर में पानी आना बंद हो जाएगा तो आप क्या कहोगे, आचार संहिता